नमस्कार सभी को, जयशंकर। बिजली विभाग को लेकर जनता काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दूं कि ऐसा कोई दिन प्रतीत नहीं होता जहां पर जनता प्रदर्शन करने के लिए यहां पर नहीं आती। आप देखेंगे इस समय बिजली विभाग के समक्ष अपनी बात रखते हुए जनता यहां पर नजर आ रही है और बिजली विभाग के खिलाफ यहां नारेबाजी भी इस समय हो रही है। आप देखेंगे महिलाएं इस समय किस तरीके से परेशान है बिजली को लेकर और कितनी किल्लत का सामना इस समय आम जनता को करना पड़ रहा है। महिलाएं देखेंगे अपने परिवार के साथ जो यहां पर मौजूद है। क्या नाम आपका? संजय जी। क्या बात है, कब से यहां पर खड़े हैं? अभी अभी हो गया क्या? हाँ जी, ये ट्रांसफार्मर मुझे आया 32 सड़ी दी है और ट्रांसफार्मर सड़ी गया 3 बारी लगा महीने च ते सड़ी गया ते निक्के निक्के बच्चे ना उदी प्रॉब्लम विच आ गए अस ते सारी कोई सुनदा नहीं। क्या आखदे बिजली वाले? ए आखदे अज लागे कल लागे ते बिंदा तेल पाई आंदे ते बख कख बनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजू। कब से खड़े आप यहाँ पे? हो गए घंटा। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं जी, छोटा सा लगाते हैं पुराना सा तो वो एक दिन भी नहीं चलता, सड़ जाता है वो। आपको बता दूं कि जनता बिजली के विभाग के समक्ष आई है। आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? रजनी चाड़। क्या परेशानी आ रही? सर हमारे लाइट नहीं है, लाइट कब की से, कब से ये प्रॉब्लम? सर हमारे तो ये 15-20 दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो 15 दिन पहले भी, 8-10 दिन पहले भी हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था, उसी को रिपेयर करके लगा देते हैं। आज अभी जिस दिन उसको लगाया उसी दिन वो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की प्रॉब्लम है, सोने वगैरह रहने की प्रॉब्लम है। हम इसलिए बिजली विभाग में आए हैं कि हमें बिजली दी जाए, हमारा नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। आपको भी रिक्वेस्ट आए हैं बट कोई हमारी मतलब हमारी रिक्वेस्ट पर कोई हीड ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं। अब इनके लाल, हम चाचा गांव लालचक से आए। इस समय आपको बता दूं कि बिजली विभाग के कर्मचारी एसी में बैठे हुए हैं और आम जनता इस समय गर्मी को लेकर किस तरीके से परेशान है। आप देख सकते हैं महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और ये लोग एसी में बैठकर यहां पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की क्या परेशानी आ रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है बिजली विभाग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के ताबेदार है ये लोग, जनता के लिए ही बिजली विभाग बना गया है, जनता के लिए ही इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना गया है, जनता के भलाई के लिए बिजली विभाग सरकार उपलब्ध करवाती है, लेकिन जनता परेशान है इस समय और ये लोग एसी में बैठे हुए हैं। ये लोग एसी में बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कहां जाएं कहां नहीं जाएं, एसी चल रहा है और ये एसी में बैठे हैं, लेकिन जनता यहां पर गर्मी में बैठी है। एक भी कर्मचारी बाहर आकर ये नहीं कह रहा कि आपको क्या तकलीफ है, आपकी परेशानी का हल जो है हल होगा नहीं। ये देखिए सभी स्थिति जो है आपको मैं दिखा रहा हूं ये सामने और किस तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है बिजली को लेकर, आम जनता कितना परेशान है वो भी आपके समक्ष में जेके जला के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। इस समय आप देखेंगे किस तरीके से बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर जो है महिलाएं यहां पर खड़ी है। कब से लाइट को लेकर लोगों को परेशानी रहती है, हर साल परेशानी रहती है, लेकिन ये लोग एसी में बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जनता के लिए कोई इनके पास समय नहीं है। यह है बिजली विभाग बड़ी ब्राह्मणा का, जहां पर एक महीने से प्रदर्शन हो रहा है, लाइट नहीं है लोगों के घरों में। हाँ, ये है कि बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, तब पर बताइए आप, क्योंकि हजारों लाखों लोगों के बिल जो है इस समय बिजली के हैं और लोग बिजली का बिल भी चुका रहे हैं। ये नहीं कि बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल चुकाया जाता है, हर महीने बिल आते हैं, लेकिन बिल देने के बाद भी इनके घर में बिजली नहीं है जी। क्या ना थोड़ा नीलम बिजली जो का बिल दें दे हर साल? हाँ जी हाँ दें, जिन्ना बिल आते दें। हाँ जी, लाइट की नहीं दें? बिजली का दिल देते हैं जनता। आपको बता दूं कि बिजली विभाग को बिल देती है जनता, लेकिन घरों में बिजली नहीं। ये डिपार्टमेंट है बड़ी ब्राह्मणा इलाके का, जहां पर जनता माता बहनों को गर्मी में यहां पर आना पड़ता है और इन्हें एसी में बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जी। क्या नाम आपका? राहत रानी। जी जी बताए क्या मसला है? यही है ट्रांसफार्मर बार बार सड़ जाता वा, नहीं तेल पाते है जी, फिर से कल लाया परसों ते अज सवेर सड़ गया वा। आहो जी जी, पुराना लाया चुकी है ते ओ सड़ी आ, एक बजे राती सड़ी आ ते फिर ओ सड़ी आ। बोलते कदे किस दिन बिजली दिंदे नी, 8-8 घंटे बिजली बंद रहंदी, पता नहीं कुत्थे दिंदे ने बिजली, है कुत्थे समय पर चुकांदे बिल दिंदे? हां लगे दे, देखो जी
कुंडियां है आखिया जी तो तुम देखो जी सूबे तारा पाई दी कुंडियां कुछ लानी लोग सर एक दिन बिल नहीं पे किया दूसरे दिन साड़ी लाइट इन्हें कट दी बिल नहीं दिता लाइट कटी उड़ी दूसरे दिन बिल पे किया दो घंटे बाद इन्हें चालू करी उड़ी जनाब ये परेशानी बड़ी आन डी है बिल भी दिया सब कुछ बिल दिया बिल गली कटो नहीं हूं तो पूछे तो कोई मतलब बाहर आने तैयार है कोई नहीं है जय साहब ने बोलिया यार इन्हें बंदे कोई कुछ ना कुछ शबासन दियो वो गल गो कोई नहीं करा दे साड़ी करना कोई गल नहीं करा दे कोई करा दे कि नहीं है जाओ हम देखने जाओ सारे जाओ वो ठीक है बैठे थे ना चेयर ऊपर अच्छा, बैठी अच्छा उन्हें कोई जवाब नहीं हम नहीं जनता कह रही है जनता जनार्दन है और ये बिजली विभाग इनके लिए है ना कि ये उनके लिए है क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में इस समय माता बहनों को यहाँ पर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है ओल्ड उम्र के लोग 70-80 साल 60 के लोग जो है आज बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन ये लोग एसी में बैठे हैं वहाँ लाइट नहीं है जी जी और क्या मेरी बात सुनो उन पानी फ्लैशिंग भी चाहिए नहीं जी बिल्कुल नहाने वास्ते भी चाहिए नहीं स्मेल आती दो मिनट नहीं नहाना स्मेल आती फ्लैशिंग गंद पे हूं क्या करना सर उन्हें नहीं निके निके बच्चे ने सारे तो हूं कुछ लेके जाचा कोई नहर च पानी जब कुछ डूबचा उन्हें जाइए एक ही नहीं समझते देखो वो बीमार बंदा भी जरा कदे कुदे कदे कुदे छोड़ने पवा दा मिगी तुस दसो मैं लेडी कुथे जा पुत्र मेरे बाहर गए मैं कुथे जा दसो तुस अज पड़ोसियां बेचारे बिपता बनी दी कुछ तो उन्हें बेचारे अपनी दिखनी मेरी दिखनी उन्हें कुथो बिजली आनी बेचारे तुस दिखो किराए पर मैं बैटरी आनी है रात ओदी कढ़ाई अगर तुस समझो पैसे उत्थे लाने ने चंडीगढ़ लुधियाना जाइए जां मी बैटरियां खरीदनियां ने ते बिल महीने महीने ले लै दे तुस अंदर जाइए मौके पर दिख लो जी ओ बठाए दा कोई नहीं जिन्ने भी अंदर ना जान नहीं मत नठ नहीं थे एक एक करिए सारे इत्थे बोन जिन सारा मसला हल नहीं कीता ठीक है नी जिन चिर मसला हल नहीं होया इन चिर बाहर जान नहीं कोई अफसर नहीं जा बाहर हूं 70 साल उम्र है ते कियां आना नहीं दंद नहीं अखियां जी जी दसो ये बिजली विभाग के समक्ष आए हैं दुर्भाग्य है बड़ी ब्रह्मणा बिजली विभाग का जहां 70 साल की महिला गर्मी में यहां पर आती है कि लाइट नहीं है लेकिन ये एसी में बैठे हैं कोई परवाह नहीं इन्हें कोई परवाह नहीं ये है बड़ी ब्रह्मणा का बिजली विभाग दफ्तर हम नहीं बोल रहे हैं हम अपने से नहीं बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं माता बोल रही है बहने बोल रही है बुजुर्ग बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं गर्मी में यहाँ पर आए लेकिन लाइट नहीं ये एसी में बैठे हैं जी माता जी दंद नहीं है अखियां नहीं दबदा हमारी माता बहने बुजुर्ग आई हैं जहाँ पे उन्होंने एक बार बैठने के लिए नहीं बोला कि माता आप यहाँ पे बैठो मतलब कि आप यहाँ पर आए बुजुर्गों के उन्होंने बैठने के लिए नहीं बोला कि बैठो नहीं बोला इतनी गर्मी में किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछा कि चलो इतनी गर्मी में आया आप पानी पियो आराम करो आपकी बिजली का बंदोबस्त करते हैं इनको कोई परवाह नहीं है ये है हमारी बड़ी ब्रह्मणा बिजली विभाग हजारों कंप्लेन कंप्लेन पे कंप्लेन कंप्लेन पे कंप्लेन बड़ी ब्राह्मण में रोजाना आता है कंप्लेन लेकिन बिजली विभाग के तरफ से कुछ नहीं हाँ बस मीडिया कर्मचारी आते हैं तो भागते हुए और मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं बड़ी ब्राह्मणा के बिजली विभाग इस समय आप जेके जल के माध्यम से इनकी बात रख रहा हूँ यहाँ पर लोग जो है कितने लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन अभी तक इनके समक्ष बिजली नहीं आज जनता तंग होकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई है इन्हें कोई शौक नहीं गर्मी में यहाँ बिजली विभाग के समक्ष आने पर कोई इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं या कोई ऐसा कोई मजबूरी नहीं जहाँ पर ये बिजली विभाग के चक्कर काटे मजबूरी भी आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है जनाब ये स्थिति है बड़ी ब्राह्मणा बिजली विभाग की जहाँ पर आप देखेंगे हमारी माता हमारी बहनें यहाँ पर आए हुए हैं और ये हमारा बड़ी ब्राह्मणा का बिजली विभाग जहां से ये स्थिति है आपको देखने को मिल रही है आप देखेंगे आज जगह जगह के माध्यम से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ये तो दफ्तर वाले सही है क्या करके भाग जाएंगे हम जाएंगे खड़े रहेंगे जी हमारी कोई सुनवाई नहीं अभी तक दो घंटे से हम खड़े हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि लगेगा कि ट्रांसफार्मर या नहीं लगेगा वो रहे देखेंगे 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 जी बोलते हैं कमरे कब कब देखेंगे जो जिनके डिपार्टमेंट के आदमी एक एक करके छुट्टी करके चले जाएंगे तो हम इधर बैठे रहेंगे ये तो हालत है इस डिपार्टमेंट का बिल हर महीने के महीने आते हैं बिजली नहीं है ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं पुराने वाला ढाकर लगा देते हैं और जाते हैं सड़ जाता है एक ट्रांसफार्मर एक रात भी नहीं निकाल रहा
कभी बोलते हैं तेल नहीं है इसमें, कभी बोल इसके लीडे सड़ गई है, कभी इसका एक्शन नहीं है, कभी ये लोड नहीं उठा रहा, कभी ये लोड बहुत ज्यादा उठा रहा है, कभी ये सिंगल भी नहीं जा रहा है, ये लोगों के इसी सड़ जाएंगे, ये है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये हाल है बिजली डिपार्टमेंट। देखिए जी आज जनता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं बाहर, लेकिन डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति बाहर आकर ये नहीं पूछ रहा है कि माता जी क्या परेशानी आ रही है, इस मसले का हल होगा जरूर होगा, कोई आश्वासन नहीं। ये हाल है बड़ी ब्राह्मणा बिजली विभाग का, जनता धूप में बाहर इंतजार कर रही है और डिपार्टमेंट के लोग एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय शंकर, जय महाकाल।